49 रुपए की एक बाजी और 1.5 करोड़ का मुनाफा। ट्रक ड्राइवर की किस्मत ऐसा कमाल करेगी सोचा भी न था। जो दो वक्त की रोटी के लिए करता था जद्दोजहद, एक रात में ही उसके खाते में आ गई करोड़ों की रकम। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, लेकिन ऐसे उम्मीद पूरी होती है। ट्रक ड्राइवर के घर जश्न का माहौल। देखिए कैसे एक मामूली बाजी ने ट्रक ड्राइवर की किस्मत के दरवाजे खोले और टूट गए गरीबी के ताले। कोई लाखों बिजनेस में लगाता है और दिवालिया हो जाता है, लेकिन कोई मामूली पैसे लगाकर मुनाफा कमाता है। ऐसा ही एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ, जिसका सितारा ऐसा चमका कि मात्र 49 रुपए के इन्वेस्टमेंट में वो एक रात में 1.5 करोड़ का मालिक बन गया। खुद ट्रक ड्राइवर को भरोसा नहीं हो रहा है कि उसको इतना बड़ा मुनाफा तोहफे के तौर पर मिला है। उम्मीद तो थी कि फायदा होगा, लेकिन इतना बम्पर फायदा होगा उसने सोचा भी न था। कहानी किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं है। कहानी का एक एक पहलू आपको रोमांचित कर देगा, और अगर आपको मुनाफे का ये फॉर्मूला सही से समझ आया तो फिर आप भी मालामाल हो सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले शहाबुद्दीन नाम के ट्रक ड्राइवर रातों रात करोड़पति बन गए। शहाबुद्दीन ने फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 पर टीम बनाकर 1.5 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए। शहाबुद्दीन ने कोलकाता और पंजाब के बीच IPL मुकाबले के लिए टीम बनाई थी, जिसमें वो पहले स्थान पर रहे, और इस वजह से उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि जीत ली। शहाबुद्दीन ने इस टीम को बनाने में महज 49 रुपए खर्च किए थे। खबरों की माने तो शहाबुद्दीन करीब 2 साल से इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शनिवार 1 अप्रैल को कोलकाता और पंजाब के बीच हुए मैच में अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 49 रुपए की एंट्री फी वाली कैटेगरी में टीम बनाई और किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया और शहाबुद्दीन पहले स्थान पर रहे। इस दौरान उन्होंने कुल 1.5 करोड़ रुपए जीते, जिसमें से लगभग 1.05 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। बाकी इनाम राशि का 30% रुपया टैक्स में कट जाएगा। बाकी ऐसे गेम्स में कोई ट्रिक नहीं होती, सब चांस की बात है। 2 साल से लगे शहाबुद्दीन का चांस लग गया और वो राजा बाबू बन गए। अब जान लीजिए कि शहाबुद्दीन की टीम में कौन कौन थे। दरअसल इस मैच की ड्रीम 11 टीम में उन्होंने अर्शदीप को कप्तान और उप कप्तान सिकंदर रजा को बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम में शिखर धवन, भानुका राजपक्षा, आर गुरबाज, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, सैम करन, टीम साउदी और राहुल चाहर को शामिल किया था। पैसे जीतने के बाद शहाबुद्दीन ने बेहद खुशी जाहिर की। उनके मुताबिक इस पैसे से वो सबसे पहले खुद का एक घर बनाएंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं एक ड्राइवर हूं और फिलहाल किराए के मकान में रहता हूं। सबसे पहले मेरा सपना है कि इस इनामी राशि से खुद का घर बनाऊं, जिसके बाद कुछ और बिजनेस करूंगा। इतनी बड़ी राशि जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और आसपास के लोग घर जाकर हमें बधाई दे रहे हैं। मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स 11 ने इस मुकाबले में डकवर्थ लुइस मेथड से 7 रन से जीत हासिल की। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट खोकर 191 रन बनाए। भानुका ने 50 और धवन ने 40 रन की पारी खेली। जवाब में कोलकाता की टीम 16 ओवर में 7 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। IPL में खेलकर जहां क्रिकेट सितारे चमक रहे हैं, तो फैंटेसी ड्रीम 11 पर टीम बनाकर देश के कई नौजवान चमक रहे हैं और कईयों की किस्मत के ताले खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।